अगर आप लाइट और फ्लैश सेंसिटिव है या आप ट्रिगर होते तो प्लीज इस वीडियो को ना देखें और अगर देखें तो अपने रिस्क पर देखेम बैक टू अवर चैनल तो जैसा कि अभी आपने देखा फ्लैश वार्निंग चैलेंज जो कि रील्स से बहुत ट्रेंड कर रहा है और कुछ दिनों पहले हमने पोल भी अपडेट किया था जिसमें सबसे ज्यादा वोट आपने रील्स को दिए थे तो हमने भी सोचा कि ये फ्लैश वार्निंग चैलेंज आप कैसे एडिट कर सकते हैं वही आज हम आपको सिखाने वाले हैं तो आगे बढ़ने से पहले रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और सारी नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो हमने कुछ टाइम पहले वैसे यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी एक वीडियो अपलोड की थी बट हम लोगों को यूट्यूब शॉर्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं है तो और और, और इससे पहले कि आप वीडियो में आगे जाए अगर आपके पास रील्स से रिलेटेड तो कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमने यहाँ पर प्ले लिस्ट एड कर है जो आप देखो ऑलमोस्ट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है और अगर आपको चाहिए किसी हम न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक जो रील्स में भी चल रहा है उस पर वीडियो बनाए तो प्लीज कमेंट डाउन तो स्टार्ट करें यस तो लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को हाँ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट जिनको जरूरत है सीखने की इस वीडियो को आप ज्यादा स्पेस से बनाएंगे तो वो ज्यादा इफेक्ट आपका अच्छा दिखेगा हमारे पास जितना अवेलेबल था हमने उतना ही दिखाया है ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है रेणूकांडस्को ठाकुर विथ ट्रिपल आर अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है सो तो प्लीज़ डू फॉलो मी लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड्रैना का भी लिंक मिल जाएगा उसको भी फॉलो कर लेना साउंड का नाम है स्कैरी गैरी अगर आपके पास सॉन्ग नहीं है तो आप सर्च पे जाके आपको ओनली टाइप करना है फ्लैश वार्निंग तो जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको टैग सेक्शन पे क्लिक करना है क्लिक करिए तो फर्स्ट सेक्शन देख रहे होंगे जो रील्स का साइन के साथ है इस पर आपको क्लिक करना है तो इस साउंड पे जितने लोगों ने भी वीडियो बनाई हुई है उन सबकी रील्स शो हो जाएगी तो चलिए इनमें से एक का मैं साउंड सेलेक्ट कर लेती हूँ यूज़ ऑडियो तो ये कैमरा ओपन हो जाएगा तो आज की मॉडल है हमारी रैना तो कैमरा घुमाया जाए <laughs> तो सबसे पहले आपको रील्स पे ही शूट करनी है वीडियो तो इस पर हम किसी फिल्टर का यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि रीना की ब्यूटी विदाउट फिल्टर की अच्छी <laughs> है <laughs> तो चलिए पहले मैं शूट करना जरूरी तो आपको शूट करते समय यह ध्यान पर रखना है कि आपको जहाँ भी इमोजी सेट करना है अपने ऊपर हो या अपने इस वाले ऊपर आए वाय जहाँ भी रखना है उस गैप को आपको अच्छे से लेना है तो जो मैं ऐड करने वाली हूँ मैं इस सेक्शन पर ऐड करने वाली हूँ ऊपर तो मैं थोड़ा इसे इस तरह से लूँगी ताकि जो मैं इस इसमें फोटो ऐड करूँ अच्छे से सेट हो जाए इस पर तो स्टार्ट स्टार्टिंग ना टाइमर थ्री Two, अब आपको ये ऊपर से सेव कर लेना तो विदाउट म्यूजिक सेव होगा क्योंकि ये सॉन्ग आपका इंस्टाग्राम ऑडियो गैलरी में ऐड है इसलिए यहाँ पर सेव नहीं होगा तो आप अभी आपका वीडियो काम हो बाद में साउंड आप खुद भी ऐड कर सकते हैं अब हमें जाना है गैलरी में तो ये फर्स्ट वाला जो है ये चूज करना अब आपको ऑन करना है ये तो एंड इसका स्क्रीन लेना है आपको इस पोजिशन में साउंड चेंज हुई थी तो हमें इसी का एक स्क्रीन लेना है यहाँ से आपका ट्रांजिशन होगा इस फोटो करते हैं एडिट अब हम पिक्स आट ओपन करेंगे पिक्सार्ट पर हमारी फ़ोटो एडिट होगी जैसे भी हमें फ़ोटो को शो करना है लाइक ट्रांजिशन के बाद जो फ़ोटो होनी चाहिए इस इफेक्ट चाहिए उस तरीके की हम फोटो एडिट करेंगे तो फर्स्ट आपको क्लिक करना है एडिट अ फोटो देन ये जो स्क्रीनशॉट था ये मैंने ले लिया ये एड आ रहा है अब मुझे जाना है स्टिकर पर आप देख रहे होंगे नीचे स्टीकर का साइन क्लिक यहाँ पर आपको टाइप करना है अगर आपको गोकू चाहिए ये पहले मैंने डेथ नोट का एक बार ट्राई किया था अगर आपको गोकू चाहिए या एनिमी स्टिकर चाहिए सारे स्टिकर आपको मिलेंगे तो मैं लेने जा रही हूँ डेथ नोट क्योंकि डेथ नोट अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है ये स्टिकर मैं ले रही हूँ फर्स्ट वाला इरेज लिया मैंने जो नीचे एक्स्ट्रा पार्ट है मैं उसे रिमूव कर रही हूँ कि लगे पीछे से आ रहा है ऊपर से आ रहा है इसे करके अच्छे एडिट करना है आपको ताकि लगे कि पीछे से ही आ रहा है मैं रिस्टोर कर रही हूं जो मैंने पहले रेस कर दिया था जितना पार्ट हो तो गई हमारी फोटो एडिट आगे जाके गैलरी में सेव कर लीजिए पिक एडिट करने के बाद आपको थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी क्योंकि जो ये मेगा फोटो है ये ओनली फोटो में इफेक्ट देता है तो वो आपको कुछ टाइम के लिए चाहिए होगा तो इसमें हम फ्लैश वार्निंग का मेन इफेक्ट देने जा रहे हैं ये बीच में जो सेंटर कैमरा है पर ओपन करना है एंड गैलरी से फोटो लेने के लिए आपको सेटिंग में जाना होता है देन ये आप सेकेंड ऑप्शन देख रहे होंगे इमेज और वीडियो फ्रॉम गैलरी इस पर आप क्लिक करेंगे अब मैंने कुछ और भी पिक्स एडिट की हुई है बट हमें करना है इस फोटो को एडिट ये फोटो मैंने सेलेक्ट कर ली तो जो ये स्क्रीन हमने जब लिया था ये एक्स्ट्रा पार्ट आगे थे इसको आपको रिमूव नहीं करना ये बाद में काम आएगा तो ये रही फोटो आप फर्स्ट देख रहे होंगे फिल्टर का ऑप्शन यहाँ पर क्लिक किया हमने लेकिन ये सब बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं काफ़ी स्कैरी स्कैरी ऑप्शन है इसमें एक ये आप चाहे तो ये फर्स्ट वाला फिल्टर ले सकते हैं या फिर अगर आप और आगे जाएंगे तो आपको आ, ये जो आप देख रहे हैं सेकेंड इफेक्ट ये काफ़ी अच्छा है काफ़ी चल रहा है तो यही मैं ले रही हूँ अब इसे मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कम से कम पंद्रह से बीस सेकेंड का करना फोटो एडिट हो चुकी है फिल्टर अप्लाई कर चुके हैं हम अब हमें करनी है फाइनल एडिटिंग जो कि होगी इन शॉर्ट ऐप में इन शॉर्ट ऐप ओपन करना वीडियोस पे क्लिक करना है न्यू तो तो ये कुछ वीडियो मैंने ऑलरेडी एडिट कर रखी है तो मैं दिखा देती हूँ तो पहले हम लेंगे ये वाली वीडियो जो हमने रील्स पे बनाई थी देन सेकंड जो अभी हमने मेगा फोटो से इफेक्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है मैं इनको एडिट करने जा रही हूँ तो आप देख रहे होंगे नीचे एक साइड राइट कॉर्नर पे आपको इन शॉर्ट का लोगो दिख रहा होगा तो इसको रिमूव करना बहुत इजी है आप देख रहे होंगे इन शॉर्ट लोगों के ऊपर ही हल्का सा क्रॉस का निशान है इस पर आप क्लिक करिए ये आपका जो थर्ड ऑप्शन है फ्री रिमूव इस पर आप क्लिक करिए इस पर आप क्लिक करेंगे करें। करें। तो एक एड आएगा इसके बाद आपका वाटर मार्क आसानी से हट जाएगा तो वाटर मार्क रिमूव हो चुका है अब हमें करना है एडिट यहाँ पर हमें करना है क्रॉप सेलेक्ट किया स्प्लिट किया एंड जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे किया रिमूव एंड जो ये पार्ट था इसको हमें थोड़ा सेट करना होगा तो कैनवस में जाएंगे तो यही साइज है हमारा इसको आप अगर इसको ऐसे राइट साइड लेके जाएंगे तो ये जूम हो जाएगा दिन तो आप इसे हाथ से भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा हाँ। तो ये परफेक्ट आ चुकी है कर मैंने ओके okay. हल्का सा मुझे ये भी थोड़ा सा जूम करना चाहिए उसी के साथ एडिट करने के लिए हल्का सा मैं इसे जूम कर लूँगी एंड जो हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी थी इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं इसके लिए हमें जाना है स्पीड पे और अगर आप इसे राइट साइड लेके जाएंगे तो ये फ़ास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा तो हम इसे फोर कर लेते हैं स्पीड हाँ हा, नाइस इफेक्ट मैंने कर दिया ओके अब तो हमारी वीडियो बन चुकी है। साउंड अगर आप चाहे तो सॉन्ग डाउनलोड करके इन शॉर्ट ऐप में ही एडिट कर सकते हैं या फिर अगर आप वीडियो को ऐसे एडिट करके रील्स में जाके उसे सेट करके अपलोड कर सकते हैं तो अब मैं कर रही हूं सेव तो ये वीडियो सेव हो चुकी है